CEO Javed sir, ZDO sir, and a guest of honor Latif sir and Ejaz sir. तो genuinely मुझे ये लगता है कि मेरा मायार नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई भी नई बात बोलूँ. अभी randomly सर ने, राकेश सर ने मुझे बताया कि if I'm willing to say something, तो ये मेरा ये खुशनसीबी भी है कि मैं दो बातें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. जो अभी मैं जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस एसोसिएशन का, जिन्होंने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया. और ये जो एप्रिसिएशन है, इसको हाइप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि आजकल आपने देखा होगा, जल्दी से मैं ख़त्म करूँगा इस बात को. आपने देखा होगा कि एक रिसर्च बोलती है कि बहुत सारे लोग सिगरेट की जो डब्बी होती है उसके बाहर से एक बहुत ही भद्दा सा फोटो दिया होता है, मतलब कैंसर के बारे में उस पर लिखा होता है, लेकिन उस डर से आज तक किसी भी इंसान ने सिगरेट पीना छोड़ा नहीं है. तो ये किस चीज़ को दर्शाता है या किस चीज़ को हमें समझाता है कि सिस्टम को फियर की वजह से या चीज़ों को एनफोर्स करके ठीक नहीं किया जाता है. तो उसके लिए वी आर सपोज टू अप्रिशिएट करें. जब हम अप्रिशिएट करते हैं, नॉर्वे में एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर्स की टीम के साथ स्टडी हुई, तो उनको एक टास्क दिया गया. तो जो स्टडी वाली रिसर्च टीम थी वो देख रही थी, उनको एक असाइनमेंट दिया कि सभी डॉक्टर को जब पेशेंट्स को चेक करें तो उससे पहले वो हाथ उनको धोए, सैनिटाइज करें, और बाहर जाकर उनको वॉश बेसन था जहां पर उनको हाथ धोने थे, और ये मैंडेटरी कर दिया गया. तो जितने भी ये इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, तो ये इंस्ट्रक्शन जब डॉक्टर्स को दी गई, तो सारे डॉक्टर इस चीज को, एक पेशेंट को देख के वो बाहर जाने लगे, फिर वापस आने लगे और धोने लगे. नेक्स्ट टाइम वो जाने लगे, तो दो तीन बार जब उन्होंने रेगुलरली ये चीज किया, तो दे स्टार्टेड गिविंग इट अप. उन्होंने बोला ये बार बार हम नहीं कर सकते हैं. तो इससे क्या हुआ, जो रेगुलरली उन पे स्टडी हुई, तो देखा गया कि उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया. उसके बाद एक वहां पर एक ऐसा नया सिस्टम आया, कुछ टाइम के बाद उन्हीं डॉक्टर्स की टीम को बताया गया कि भाई जो भी बंदा आप में से प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, तो उसको लास्ट पे वीक पे हम उसको एक अवार्ड से नवाजेंगे, एक अप्रिसिएशन होगी. तो देखा गया कि सिस्टम जो है वो बहुत ही प्रॉपर वेल वर्स वे में चलने लगा. तो यहाँ से मैं बड़ा शॉर्ट और कंसाइज कर रहा हूँ इस स्टडी को, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. तो वहां से देखा गया, जब भी चीजों को अप्रिशिएट किया जाता है, जब भी किसी भी काम को अप्रिशिएट किया जाता है, उस अप्रिसिएशन से एक एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है बदलाव देखने में आता है. तो दूसरी चीज, जैसे हमारे लतीफ सर हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है बचपन से, मेरे मामा जी हैं ये, तो इनकी पर्सनैलिटी जो है, मुझे नहीं लगता है कोई भी यहाँ पर जितने भी मौजूद हमारे जितने भी टीचर हजरात हैं, सबको पता है कि इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा क्या है, इनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, पेडागॉजी में इनका कितना वो जो स्किल है, कितना जबरदस्त हाथ है, या इनका कंटेंट पे कितना ज्यादा अबूर है. तो मैं यहाँ पर लास्ट पे ये बताना चाहता हूँ, एक सबसे मशहूर एक किताब है इकिगाई करके, वो हाईएस्ट अवार्डेड बुक है, वो सबसे ज्यादा चलने वाली किताब है. रिसेंटली आपने दो तीन साल में देखा, जो दुनिया की टॉप फाइव बुक्स है उनमें से तीसरे नंबर पे ये बुक आती है. और उस बुक की जब डॉक्यूमेंट्री आप स्टडी करोगे, तो जितनी भी रिसर्च की टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने एक स्टडी की कि दुनिया में कुछ कुछ जोन्स ऐसे हैं जिनको ब्लू जोन्स कहा जाता है. ब्लू जोन्स एक ऐसे जोन्स हैं जहां पर लोगों की एज 100 साल से ऊपर है. तो एक सर्वे हुई कि ये एरिया में ऐसा क्या खास है कि यहाँ के लोग जो है इनकी एज इतनी अच्छी है, और इनकी सेहतमंद, मतलब उनकी सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी एज भी काफी है, एवरेज बंदे की एज वहां पर 100 से ऊपर है. तो एक टीम मुंतकिल की गई, और वो सर्वे करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे. तो फाइनल में वहां पर एक चीज उन्होंने फाइनलाइज की, वहां से ड्रॉ की, और वो ये थी कि वहां के लोगों में एक चीज था, वो एक रीजन था उनकी लाइफ में. अगर वो रिटायरमेंट भी होते थे नॉर्मल प्रोफेशन से, तो उनके दिमाग में क्या था, एक रीजन था, एक कॉज था जिसके लिए वो जीते थे. मतलब वो एक फ्रेम करते थे अपना ऑब्जेक्टिव, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे उनका डोमेस्टिक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट ऑब्जेक्टिव. जब एक बंदा एक पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्टिव को लेके लाइफ में अपने आप को ईमानदारी से उस पर इन्वेस्ट करता है, तो वो इंसान जो होता है उसका बॉडी जो है उसके साथ सिनर्जाइज करके वो अच्छे रिजल्ट देता है. और यही चीज में यहाँ पर हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, लतीफ सर हैं, एजाज साहब हैं, मैं इनसे यही मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरी दुआ है कि ये इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो, ऊपर वाला इनके मतलब सेहत तंदुरुस्ती दे,
और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मकसद हो, जिस मकसद के लिए अपनी लाइफ जो बाकी की लाइफ है उसको अच्छे मतलब खुशी से गुजारें। तो बाकी यहाँ